मैं ईडी बना। ईडी बनने के बाद फिर अपलान ने मुझे बैठा कर समझाया कि नसीर तू एसडी भी बन सकता है, बस तुम्हारे अंदर सीखने की ललक, भूख, जज्बा होनी चाहिए। मैंने दोस्तों ईमानदारी से सीखा, फिर नेक्स्ट लेवल दोस्तों एसडी बना। फिर अपलान ने बताया कि नसीर ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, तुम एसडी लेवल पे काम करो मजा नहीं आता होगा, एक बार आरडी बन के देखो यार, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। महीने का 30,000, 40,000, 50,000 कमाओगे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसा उम्र का लड़का कैसे 50,000 कमा सकता है, लेकिन अपलान ने भरोसा दिलाया था और मैं दोस्तों इस बिजनेस में आरडी बना। और आरडी बनने के बाद दोस्तों हर महीने की मेरी इनकम की बात करूं, हर महीना दोस्तों 30,000, 40,000, 50,000, 58,000 हर महीना दोस्तों रेगुलरली मैंने पैसे कमाया। फिर दोस्तों मेहनत करते रहा, मेहनत को कम नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मेरा प्लान ने मुझे सपना दिखाया था कि नसीर 30,000 में मजा नहीं आएगा, एक बार लाख रुपए जिस दिन कमा लोगे ना, हर परेशानी को तुम सुधार सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों मेरी जिंदगी में दोस्तों वो खुशी का दिन था दोस्तों, मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट दिन था दोस्तों, दिसंबर 2014 में दोस्तों इस कंपनी का मैं डायमंड बन के खड़ा हो गया। अगर दोस्तों बात करो अपनी जिंदगी की, 5 से 4.5 साल पीछे नसीर के पास कुछ भी नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। खाने के लिए दोस्तों सोचना पड़ता था, पहनने के लिए दोस्तों सोचना पड़ता था। मैं इस बिजनेस को दोस्तों अकेले स्टार्ट किया था, मेरे अपलान ने समझाया से बढ़ा करके नसीर अकेला इंसान महान नहीं बनता है। महान वही बनते हैं जो इंसान दुनिया के अंदर लेवरेज इनकम करना जानता है। मैंने अपलान की बातों को दोस्तों भरोसा किया था। आज बड़े सारे मेरे ग्रेट अपलान है दोस्तों मेरे सामने बैठे हुए, मेरे समय पे डायमंड थे, जिन्होंने मुझे सीढ़ी लेवल पे दोस्तों मुझे जिनसे सीखने का मौका मिला। मैं आपको ज्यादा कुछ दोस्तों मेरे पास नॉलेज नहीं कि मैं आपको सिखाऊं, बड़े सारे अपलान आपको सिखाएंगे, लेकिन मैं इतनी बात आपको कहना चाहता हूं कि दोस्तों आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी का नाम ग्लेस है, और ये दोस्तों हिंदुस्तानी कंपनी है, और सबसे बड़ी बात ये ग्लेस ट्रेडिंग है दोस्तों, ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा दोस्तों टर्नओवर करती है। दूसरी खुशी की बात यह दोस्तों, कम समय में हमारी कंपनी दोस्तों IDFC से अप्रूव्ड कंपनी है। इससे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, मुझे दोस्तों ये चीज सुनने मिला, कुछ ही दिन के बाद आपको भी देखने मिलेगा, अपलान ने बढ़ाकर समझाया कि नसीर ने एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हो जिनका परचम हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर भी लहरने वाला, विश्वास करके बार काम करो। तो मेरा प्लान ने जब बढ़ाकर समझा तो मुझे ऐसा लगा यार ये वाकई में एक ऐसी जगह है जहां पे एक इंसान ईमानदारी से काम करे तो जिंदगी को बदल सकता है। मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले इंग्लिश का वर्ड पढ़ा था, बड़ा कमाल का शब्द लिखा हुआ था, और मैं अपनी अपाची के गाड़ी में लिखा हुआ लिख के रखा हूं दोस्तों शॉर्ट को, लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। बड़ा कमाल का शब्द था, वो दिन मुझे याद है कि मैं इस बिजनेस में सीढ़ी लेवल पे काम किया करता था। कौन लेवल पे? कुछ नहीं था मेरे पास, लिखा हुआ था लाइफ इज हार्ड, जिंदगी परेशानी है, मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, बट नॉट इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। कुदरत ने हर इंसान को वो शक्ति दिया है, अगर इंसान अपनी शक्ति को जान जाए तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है दोस्तों। आप वो इंसान है, बिलीव मी दोस्तों, यकीन मानिए, अगर ये नसीब लड़का इतनी कम उम्र में इतना सारा कुछ कर सकता है तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप चाहेंगे तो मेरे से कम समय में दोस्तों इस स्टेज पे आ सकते हैं, बहुत कम समय लगेगा आपको। मेरी दोस्तों मेरे बारे में जानेंगे तो और बहुत सारी चीजें पता चलेगा। दिलेश का कमाया हूं पैसा तो दोस्तों ज्यादातर कुछ कर नहीं पाया हूं, क्योंकि दोस्तों अभी तक बात करो डेली लेवल पे काम करता हूं दोस्तों, वनली फॉर आपकी स्टेज से वनली फॉर एक महीना का चेक बता के जाऊंगा, और वो भी दोस्तों जो पिछले महीना सॉरी इसी महीना 10 करोड़ डाला परसों के डेट में, तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेज पे जो लड़का बात कर रहा है क्या इस लायक है। क्योंकि यहां पे बैठे दोस्तों बड़े सारे गार्जियन है जो पहली बार इस ग्लेज में ना किसी की शब्दों को सुन रहा होगा, यस सर नो, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो ग्लेज में पहली बार आए होंगे और वो यहां पे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा, इतना कम उम्र का लड़का जिनको देखने में ऐसा नहीं लगता है ये कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं, आपको फीलिंग होता होगा दोस्तों। ये ग्लेज एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जहां पे आप गोरे हैं, मोटे हैं, स्मार्ट हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं ग्लेज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्लेज को केवल फर्क पड़ता है कि आप ग्लेज को कितना परसेंट फ्लो कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं ग्लेज में।
आने वाले समय में यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग नजर आते हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो भविष्य के आप सब लोग दोस्तों डीडी और जीडीडी बैठेंगे, यकीन मानिए आप। यस सर नो। जिंदगी में दोस्तों इंसान के, मैंने बताना, जिंदगी में इंसान के बहुत सारे लोग आते हैं, चांसेस आते हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पाते क्यों, क्योंकि रिस्क कवर ही नहीं करना चाहते। अगर रिस्क की बात करूं दोस्तों, तो आप सबको पता होना चाहिए, क्रिकेट खेलते होंगे आप सब, क्रिकेट खेलते होंगे तो पता होगा दोस्तों, अगर प्रोफेशनल क्रिकेट आप खेलते होंगे तो आपके हाथों में बल्ला होता है, और बल्ला जो होता है ना, तो आप एक बाउंड्री लाइन के ना अंदर में रहते होंगे, यदि बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाते तो आपको कोई भी आउट कर सकता है। यस सर नो। आप तब भी क्या करते हैं ना, जब गेंद आगे से आती है तो आप उसको छक्का मारने का कोशिश करते हैं, चौका मारने का कोशिश करते हैं, और चौका और छक्का मारने के लिए एक ही शर्त है कि आपके बाउंड्री लाइन को बाहर करना पड़ता है, आपको बाउंड्री लाइन से बाहर जाना ही पड़ेगा, और बाउंड्री लाइन से जाने के बाद दोस्तों आप मारना चाहते हैं, अगर आपने मार दिया तो छक्का लगेगा, अगर नहीं मारा तो क्या हो जाएंगे आप, लेकिन आपने कभी ये महसूस नहीं किया मैं आउट हो जाऊंगा, आपने ये महसूस किया होगा मैं चौका तो छक्का मार के दिखा दूंगा। यस सर नो। जब 11 टीम मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ सकती है, 11 टीम मिलकर के पूरे हिंदुस्तान का परचम लहराने के लिए काम कर सकती है, तो हम तो प्लेस कितनी आबादी है दोस्तों, क्या हिंदुस्तान का परचम नहीं लहरा सकते हैं क्या, क्या नहीं लहरा सकते हैं क्या, यहाँ पे बैठे दोस्तों प्लेस का आप कल के डेट के रही सर, बिलीव मी दोस्तों यकीन करिए आप, आज नसीर के पास घर है, गाड़ी है, नसीर की अपनी खुद की जिंदगी है, आज नसीर के पापा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरी जिंदगी का दोस्तों एक टारगेट था, मकसद था कि मेरे पापा जितनी कष्ट किया, जितनी तकलीफ सही, जितनी सारी परेशानी को बर्दाश्त किया ना, वो कल मेरे पापा को देखने नहीं दूंगा दोस्तों। आज वो जिंदगी में दोस्तों मेरे पापा के साथ सपना सच होते नजर आया, मेरे पापा को मैंने कसम खा के बताया था कि पापा यकीन मानिए एक दिन मैं घर बनाकर आपको दूंगा मेरे कमाई और पैसा से, मेरे पापा बोले थे बेटा 5 बेटा तुमसे बड़े हैं कुछ भी नहीं कर पाए तुम कैसे कर लोगे, पापा को दोस्तों वो भी सच करके मैंने दिखाया, अपनी जिंदगी में दोस्तों बहुत सारी चीजें करके दिखाया हूं, आपकी आपको आपके अंदर अगर भूख है, जज्बा जुनून है, तो आपको दोस्तों करने की एक बार जरूरत है, क्या आपको तैयार है करने के लिए, हमारी तैयार है बस दोस्तों, जो परसों के डेट में दोस्तों जो मैं ठीक अमाउंट डाला है दोस्तों, छोटा सा बड़ा छोटा सा, क्यों, क्योंकि दोस्तों भविष्य में बहुत कुछ देख रहा हूं, मेरे अपना एक ही चीज बताते हैं कि अभी तो तुमने शुरू किया, कल भी मैं ग्रेट अपलान के साथ बैठा हुआ था गाड़ी में, सफारी गाड़ी में बैठ करके मैं ऐसा महसूस हो रहा था ना कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा दिन आएगा, अगर आप सबों की दुआ रहेगी एक दिन सफारी गाड़ी में बैठ के दिखा सकता हूँ, ये बात की आपसे प्रोमिस करता हूँ मैं, और ये पक्का होने वाला है, तो क्या चेक जानना चाहेंगे आप सब, इतने कम उम्र का लड़का का चेक इतनी आसानी से अगर बता दूं तो फिर मजा नहीं आ सकता है यार, आवाज आनी चाहिए, जानना चाहेंगे, छोटा सा चेक है दोस्तों 2,27,000 का है दोस्तों, एक महीने की इनकम जो लड़का कभी 27,000 नहीं सोच सकता था, आज स्टेज पे गर्व से बोल सकता है कि 2,27,000 दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये मेरे लिए मैंने बताना छोटा सा है, क्यों, क्योंकि मैंने एक शेर पढ़ा था कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, काम करना है तो करो एक ऐसा काम कि लोग आपका नाम गूगल पे सर्च करने पे मजबूर हो जाए, अरे क्यों करते हो दोस्ती फूलों से जो पल भर में मुरझा जाए, क्यों करते हो दोस्ती फूलों से जो पल भर में मुरझा जाए, दोस्ती अगर करनी है तो करो कांटों से जो चुभने के बाद भी याद आए, जिंदगी की दोस्तों अजीब सी कहानी थी मेरी, मैंने सोच रहा था आज दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी मेरी सेल्स टीम बैठी हुई है, अगर ऐसे ऐसे दोस्तों सेल्स टीम की बात करो इतने कम उम्र में दोस्तों ऑल इंडिया ओवर के अंदर दोस्तों आज के इसमें 60 फ्रेंचाइजी में दोस्तों खुद की मेरी सेल्स टीम काम कर रही है, आज बहुत गर्व से बोल सकता हूँ दोस्तों, जिन अपलान ने मुझे सिखाया आज उनका बहुत बहुत दोस्तों उनका शुक्रिया, और आप सबका दोस्तों जिनकी वजह से आज ये सारी चीज संभव हो पाई है, आप भी कर सकते दोस्तों, जब भी इंसान इस पृथ्वी के अंदर आते हैं दोस्तों वो रईस बन के नहीं आते हैं, मैंने दूसरी जगह में इंग्लिश का वर्ड पढ़ा था, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, सुनेगा सब, समय मुझे दोस्तों काफी कम मिला है, मैंने पढ़ा था दोस्तों इफ यू आर फॉर द क्वालिटी ऑफ नॉट मिस्टेक,
इतना कमाल का शब्द था। बिल गेट्स ने बताया इफ यू फॉर द पुअर इट इज योर नॉट मिस्टेक, यानी पृथ्वी के अंदर अगर आप गरीब जन्म लेते हैं ना, गरीब पैदा होता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, कोई भूल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने हर इंसान को नंगा पैदा करके भेजा है, ये सर नो। लेकिन दूसरी जगह उन्होंने शब्द को बनाया, फिर आगे बताया कि वेरी मिस्टेक, गरीब तो पैदा हो गए कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब अगर मर जाते हैं सबसे बड़ी आपकी भूल है। कुदरत ने आपके पास कोई चीज की कमी नहीं रखा, सोचने के लिए दिमाग, देखने के लिए आंखें, चलने के लिए पैर, हाथ में सब चीज आपके पास है। दुनिया में दोस्तों चाहे तो दुनिया की हर खुशी को आप पा सकते हैं। क्या आप सब चाहते हैं कल का स्टेज मेरा हो? चाहते हैं? आपकी एनर्जी, आपका जोश, उत्साह को देख करके ऐसा लगता है वाकई आप कर सकते हैं इस बिजनेस को। दोस्तों जब भी आप स्टार्ट किए होंगे और आज भी आप कर रहे होंगे तो आपके परिवार, आपके समाज के लोग आपसे खुश नहीं होगा। मैंने इस चीज को बढ़िया तरीके से देखा दोस्तों कि लोग अपनी जिंदगी में सुख से जितना परेशान है ना, दूसरे के सुखी को देखे उससे ज्यादा परेशान है। यार फलाने गाड़ी खरीद लिया, घर बना लिया, कितना अच्छा ड्रेस है, कितनी इसकी चेहरे की स्माइल है, क्या गजब दिखते हैं, खुद की जिंदगी के बारे में उसे पता नहीं है। कल भी परेशानी थी, आज भी है, और कल भी आवाज, कल भी, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। जब मैं दोस्तों शुरू शुरू में गिलेश को ज्वाइनिंग किया था और मैं इस बिजनेस को लेकर फुल नेगेटिव था, तो मेरे गांव के लोग ना बोले क्या यार मसीर बड़ा लकी आदमी है। मैं बोला कैसे? बोले इतनी कम उम्र में तेरी तो नौकरी लग गई। मैं बोला नौकरी नहीं लग गई, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बोले इतनी कम उम्र में तू बिजनेस कर रहा? जब दोस्तों इस महीने में मैं लगभग 6-7 महीने तक घर पे पैसा नहीं दिया तो मेरे गांव समाज के लोगों ने बोलने लगे कि नसीर एक ऐसी जगह में गया जहां पर दोबारा लौट के भी आने वाला है। यानी गांव के लोग ये उम्मीद बनाए रखे हुए थे कि नसीर वहां से लौट के भी घर आ जाए तो अच्छा रहेगा। या सर ना जब तो पहाड़ी लेवल से पैसे कमा के घर पे देने लगे तो गांव के लोगों ने बोला बस कितना दिन तक? 4-6 महीने, फिर कंपनी पैसे देना बंद कर देगी तो फिर आ जाएगा लौट करके। वो भी नहीं देखना पड़ा दोस्तों। जब मैंने डेडी बना, डेडी बन के दोस्तों प्रति महीना अच्छा खासा पैसा देने लगा, घर बनाया, तो गांव समाज के लोगों ने बोला कि पता नहीं नसीर लगता कहीं जाली नोट का धंधा करने लगा होगा। मुझे ऐसा उस दिन लगा वाकई में ये दुनिया ऐसी है ना, जिस प्रकार से कबड्डी लोग खेलते हैं ना, जानते हैं सब, जब एक इंसान क्या करते हैं ना, आगे उस लाइन को पार करना चाहते हैं ना, तो पीछे से एक इंसान पकड़ते हैं और एक इंसान ने उसको पकड़ को देख करके सब लोग दौड़ करके उसको ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे आगे जाने नहीं देते हैं। ये दोस्तों जिंदगी ऐसी ही है। मैंने एक मूवी देखा था, उसमें भी दिखा हुआ था, जिस मूवी का नाम है बिजनेसमैन, नंबर वन बिजनेसमैन, आप सब जानते हैं, कमाल का मूवी मैंने उसमें देखा था। उसमें बताते हैं कि जिंदगी एक इज्जत है, अपनी जिंदगी में मकसद, टारगेट, सपना बनाना बहुत जरूरी है। जिस इंसान के पास जिंदगी में सपना नहीं है, टारगेट नहीं है, उनकी जिंदगी मुर्दू से भी बदतर है, वो कभी कुछ कर नहीं सकते हैं। आप सबके पास एक जिंदगी में टारगेट होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। दुनिया कुछ भी करे, कितनों कोशिश करे कि ड्रीम को छोड़ दो, आपके पास यदि सपना है कि मेरे परिवार की जिंदगी को बदलना है, मेरे पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, कल की मेरी जिंदगी अच्छे लोगों के साथ में होनी चाहिए, दोस्तों पूरी दुनिया एक हो जाएगी ना, आपको कभी रोक नहीं सकती है, आप डायमंड बन के दिखा सकते हैं। बस आप पापा को, मम्मी को समझा कर रखिए कि एक बार बस एक साल का समय दीजिए। मैंने दोस्तों एक साल तक बढ़िया से पैसा नहीं कमाया था, मेरे पापा को लोग आकर के नेगेटिव करते थे, मेरे पापा तुरंत मेरे पास फोन करते थे, नसीर यार तुम छोटा बेटा हो, तुम्हारे पर भरोसा क्या था? आज लोग ऐसे बोलते हैं, आज मेरे दोस्तों वही पापा है, 10 लोगों के भीड़ में बैठते हैं तो गर्व से बोलते हैं वाकई में मेरा बेटा कुछ करके दिखाया। तो ऐसी जिंदगी आपके साथ भी है, आज आपके साथ परेशानी है मुझे पता है। क्यों? क्योंकि जिस भीड़ में दोस्तों आप बैठे हुए हैं ना, इस भीड़ में मैं भी बैठा करता था, किन्हीं के शब्दों को सुना था करता था, अरे नहीं भी सोचा करता था, ये कौन लोग होंगे जिनको गले पे माला चढ़ाया जाता है, ये कौन लोग हैं जिनके हाथों पे ट्रॉफी दिया जाता है, शौर्य से सम्मानित किया जाता है। पापलान ने बैठा के समझा ये कोई लोग नहीं, आप ही की तरह आप भी मेहनत करो आपके लिए भी होगा। मैं बुक्स में दोस्तों किन्हीं की तस्वीर को देखा करता था तो मैं सोचा करता था ये कौन लोग हैं जिनकी तस्वीर बुक्स में आती है, जिनका फोटो आज तस्वीर में है, लोग इनके इतिहास को पढ़ते हैं। फिर अपना ने समझा था यार नसीर कलकत्ते में तुम्हारी आएगी। आज दोस्तों बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, आज इस स्टेज पे बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है दोस्तों, और ये सारी चीजें मेरे प्लान और यहाँ से बैठे हुए डॉनलाइन आप सबों की वजह से दोस्तों, आज
ग्लेशियर इंडिया के जल्द पत्रिका लॉन्च होगा दोस्तों, आज उसने दोस्तों मेरी इतिहास पूरी लिखी हुई है दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। चाहते हैं अपनी जिंदगी में आप भी सब कुछ करना? अब आप नहीं चाहते हैं तो परेशानी आएगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने ईडी लेवल पे, जब मेरे घर वाले ने इस बिजनेस को करने से रोक दिया था ईडी लेवल पे, तो मैंने एक शेयर याद किया था और कमाल का, मैं हर मीटिंग्स में बताता हूँ, कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं है जहाँ पे मैं ये शेयर सुनाता नहीं। सुनेगा सब कि हम लाख सही हैं पर लोग खराब कहते हैं, बिगड़ा हुआ लोग हमें नवाब कहते हैं। हम लाख सही हैं पर लोग खराब कहते हैं, बिगड़ा हुआ लोग हमें नवाब कहते हैं। अरे हम तो ऐसे भी बदनाम हो चुके हैं कि हम अगर पानी भी पीते तो लोग शराब कहते हैं। जिंदगी में कोई भी इंसान कुछ करने नहीं देना चाहता, लेकिन दोस्तों इस बात की गारंटी है, आप चाहोगे तो रोक भी नहीं सकता। बस आपके अंदर एक बाटल में अगर पानी रखा हुआ है, उस पानी को पीकर के मेरी प्यास अगर बुझ सकती है तो क्या आपकी नहीं बुझेगी? आज आपके आप कल्पना करना, संकल्प लेना अपने अंदर, इस स्टेज से जितने सारे लोग बात करके जा रहे हैं, जितने सारे लोगों की स्वागत हो रही है, आपको कसम खा के जाना है यहाँ से कि कल के दिन में स्टेज मेरे लिए होना चाहिए और मैं जरूर आके दिखाऊंगा, ये सोच के आपको जाना है। तैयार आप सब? क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बड़ी चीज नहीं है कि आपके साथ नहीं होने वाला, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने चीज को करते हुए देखा लोगों को, मेरे सामने दोस्तों बड़े सारे लोग स्टडी लेवल पे काम किया, आज डायमंड बने हैं, बड़े सारे लोग झिड़की बने हैं, बड़े सारे लोग स्टार डायमंड बने हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को साबित कर पाए हैं। तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। आज आपको दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा ना, उनकी इतिहास को सुनकर के आपको रूंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे से आज कैसे संभव हो पाया। कौन ऐसी जगह हिंदुस्तान के अंदर आप बता दीजिए कि साढ़े चार साल की उम्र में, साढ़े चार साल समय देने के बाद महीने का कोई भी व्यक्ति 2 से 2.5 लाख रुपया कमा सकता, आज भी ग्रेज को छोड़ने के लिए तैयार हूं। है कोई जगह? कोई भी खड़े होकर अगर बता सकता कि नसीब तू चल मेरे साथ, 4 साल मेहनत करवाऊंगा, 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए तैयार हो दोस्तों, 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो आज भी ग्रेज को छोड़ सकता हूं दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह ही नहीं है दोस्तों जहां पे लाखों रुपया 4 साल के बाद कमाया जाता है। लेकिन ग्लेज आपको बोलती है कि दुनिया को छोड़, तू एक बार हिंदुस्तान की ग्लेज में जुड़ करके देख, 4.5 साल नहीं, तू अगर ईमानदारी से मेहनत करेगा तो अगले 1 साल के बाद 1 लाख रुपया तो कमा सकता है, ये ग्लेज आपको प्रोमिस कर दी। ग्लेज आपको बताते एक बार तू करके देख, मिलता नहीं मिलता तुझे समझ में आ जाएगा। अभी मैं परसों 5 दिन पहले दोस्तों एक लेडीज की मैंने तस्वीर देखा था, गुवाहाटी में वो ज्वाइनिंग की है, 3 महीने के अंदर अंदर ना वो लेडीज स्टार ऑलरेडी बनी है। क्या बनी है? आवाज में क्या बनी है? 3 महीने में वो लेडीज स्टार ऑलरेडी बनी है, 25 डायरेक्ट की है, उसका ईडी लेवल का चेक शायद 53,000 या 54,000 का लमसम था, ईडी लेवल का चेक दोस्तों जो ऑलरेडी बोलते हैं मेरा 50,000 का चेक है। दुनिया छोड़ दो, मेरी टीम का एक ऑलरेडी है, पिछले महीने उन्होंने आरडी लेवल का चेक बना दो 73,998 रुपये का आरडी लेवल का चेक बनाया। ऐसे ऐसे लोग घरे का काम करते हैं। हेलो, जिन्हें शब्दों को भया नहीं करना आता है, बोलना नहीं आता है, बढ़िया ड्रेस नहीं पहनने आता है, जिनकी झोपड़ी के घर था दोस्तों, आज ऐसे ऐसे लोग स्टेज पर आने के बाद बोलते हैं मैं डीडी हूँ, जीडी हूँ, मेरा चेक कितना है दोस्तों। इतनी सारी चीजें दोस्तों कहां से पॉसिबल हो पाया? ग्लेज से ना। yes, अब आने ग्लेज से ना। yes, क्या आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती है? yes, कितने लोगों का भरोसा नहीं कि नहीं आएगी? कितने लोगों का भरोसा? सबको भरोसा? yes, सबको? yes, क्या बात है, इतने लोग अगर डीडी डीडी होंगे तो सोचिए कि क्या होने वाला है। आज से सारे 12 साल पीछे दोस्तों कोई उदाहरण नहीं था ग्लेज में, कोई डीडी है जीडी है जिनका चेक महीने का 2 लाख 2.5 लाख का है, आज तो दोस्तों भरा पड़ा हुआ। किस जोन में जाओ वहां पे 20-30 को आरडी है, डायमंड है, स्टार डायमंड है, फ्रेंचाइजर है, बहुत सारे लोग हैं। मेरे समय पे दोस्तों एक आरडी से मिलने के लिए सोचना पड़ता था, आज के दिन में तो उदाहरण की कमी नहीं है। मैंने इस चीज को देखा कि हमारे समय पे जब लोग काम करने आते थे, काम करना पसंद नहीं करते थे, आज के दिन में 5 लोग आते हैं तो 7 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों, सिर्फ उदाहरण को लेकर के। मेरे पापा दोस्तों मम्मी आज भी बगल में बैठते हैं, और जब कोई बाहर से 2 लोग आते हैं, साथ भी जाएंगे ना 2 लोग, तो मेरे पापा मेरे साथ पूछेंगे ये सारी चीजें कैसे हो पाई। तुरंत मेरे पापा
मैंने कहा एक रुपया डेढ़ रुपया ना दिन कमाया करता था, जिससे मेरा परिवार चलता था। आज मेरा छोटा बेटा एक ऐसी कंपनी में काम किया ना जहां पर यह सारी चीजें चार साल के अंदर हो पाया है। मेरे पापा को पहले लोग नेगेटिव कर देते थे, आज मेरे पापा को अगर कोई जाकर के बोले कि नसीर गलत जगह में काम करता है, मेरे पापा उनका एक घंटा का साइकोलॉजी क्लास लेते हैं, एक दिन उसको भी ज्वाइनिंग करवा देते हैं। वो भी ना चुका दोस्तों, आज मैं खुद काम करता हूँ, मेरा अपना सगा भाई दोस्तों हमसे बड़े हैं, वो भी विलेज में काम करते हैं, अपना सगा भांजा काम करते हैं। मेरे गांव के एक इंजीनियर बैंगलोर में 65,000 की नौकरी कर रहे थे दोस्तों, आज तक में ग्लेन में जुड़े हुए हैं और उसके अंदर से भी एक ही आवाज आती है ग्लेन सबसे नंबर वन कंपनी है। महान हो नहीं है जो एक बार पास किया छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इंडिया के कप्तान का नाम सुना था, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है उस इंसान को आप छोटे से नहीं देखेंगे। सुबह 6 बजे हमारा सुबह 6 बजे सोए रहते हैं ना, वो सोए नहीं रहते, क्यों? उसे पता नंबर वन की जगह हमेशा खाली रहती है, यदि नंबर वन की जगह कोई और ले लिया तो मेरी जगह पीछे हो जाएगी। सुबह जागने के बाद बल्ला लेते हैं और लेने के बाद उसको क्रिकेट के हाथों में लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, क्यों? प्रैक्टिस बंद तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दूसरा इंसान चला जाएगा। वो इंसान सोते नहीं है, क्योंकि उनके पास कमियाबी नहीं है क्या है, लेकिन तब भी वो मेहनत करते हैं। मैंने दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर की जबान से एक शब्द सुना था और रियली में कमाल का कि महान वो नहीं है जो एक बार उड़ गए, बल्कि महान तो होते हैं ना जो बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर उठ करके खड़े होकर के बोलते मैं इस काम को कर सकता हूँ और करके दिखा देते हैं। सबसे बड़ा महान वो होते हैं। इसीलिए फिर से आज के बाद ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि दुनिया में कोई मेरे लिए जगह नहीं है। आज के बाद ये कंसेप्ट खा लीजिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह मुझे ग्लेस ट्रेड इंडिया मिला है, जहां से मेरा नहीं आने वाले हर परिवार का सपना पूरा हो सकता है। पैसा कमाना बड़ा इजी है दोस्तों, बड़ा इजी है। आप किसी को गोली मार के पैसे कमा लोगे, चोरी करके पैसे कमा लोगे, किसी गाड़ी को लूट के पैसे कमा लोगे, पैसा कमाना बस बड़ा आसान है। बड़े सालों तक अपने जिस्म का धंधा करके भी पैसे कमाते हैं। ये ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो आपको हमें सिखाती है कि तुम किसी की जीवन को बढ़ाकर खुद की जिंदगी को बदल सकते हो। किसी के घर पे चूल्हा नहीं जलता ना, तुम अपने घर पे तुम अगर चाहो तो उसके घर में चूल्हा जलाने का मौका दे सकते हो। वो दोस्तों जगह आपको मिली हुई है। आज मेरे साथ जो भी लोग दोस्तों काम करते हैं, आज मेरे साथ नए डायमंड मेरे डॉलर आए हुए हैं, ये अपने भाई का ना गार्जियन बनकर आए हुए थे काम को देखने के लिए, कैसा काम मेरा भाई करने आया। मैंने इनको बढ़ाकर समझाया था क्या करने का विचार है, बोले सर मैं विदेश जाना चाहता हूँ, ज्यादा पढ़ाई करके ना कुछ पैसा ज्यादा कमाना चाहता हूँ। मैं बोले कितना, बोले 25 से 30 हजार। मैंने बोला हिंदुस्तान में मिल जाए तो कोई दिक्कत, बोले नहीं सर, वो एक लड़का जो पाँचगढ़ में आपके सामने डीडी बन के खड़ा हो गया। सिर्फ समझाने का आपके पास तरीका होना चाहिए, आपको खुद भरोसा होगा तभी तो भरोसा दिला पाएंगे, विश्वास होगा तभी तो अगला व्यक्ति को विश्वास दिला पाएंगे। तो उम्मीद करो आज के बाद आप दिल से काम करेंगे, प्रॉमिस करते हैं मेरे से नहीं अपने आप से, उन परिवार से, उन पेरेंट्स से जिनसे आपने वादा करके आया कि पापा मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से कुछ ही दिनों के बाद अपने आप को बहुत कुछ करके आपको दिखाऊंगा, और वो पापा ने आपके विश्वास से आपको छोड़ दिया। एक बार दोस्तों आपके पापा मम्मी के विश्वास को आप भरोसा को तोड़िए मत, उनके आशा को निराशा होने नहीं देना है। दुनिया कितनों भी झगड़ने की आपको कोशिश करे, आपको रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना दोस्तों जब तक इस बिजनेस का आप भीड़ नहीं बन जाते हैं, तब तक आपको लड़ते रहना है। बाकी दोस्तों मेरे साथ इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बातों को सुना। सुनना बड़ी बात नहीं दोस्तों, इस पे काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया, कहानी यही खत्म, आगे आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करनी है और उससे काम आपको करना है। हेलो यार है बाहर में दोस्तों एक टीचर, बिहार की अगर बात करूं, झारखंड के बारे में पता नहीं है, बिहार की अगर बात करो दोस्तों एक पारा टीचर की आज के में सैलरी है 17,500, कितना है 17,500 रुपया दोस्तों एक गवर्नमेंट के टीचर की सैलरी है। सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि 17,500 की सैलरी कमाता हूँ। हेलो दोस्तों, जो इंसान 17,500 सैलरी कमाते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा दोस्तों नसीर प्रति महीना गवर्नमेंट को ना टैक्स भरता है इस उम्र में दोस्तों। आप नहीं चाहते हैं? यस सर। नहीं चाहते हैं? चाहते हैं।
एक बार पूरी एनर्जी के साथ बोलिए गो 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 गो। बाकी दोस्तों आपका समय देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी थैंक यू भाई, थैंक यू।